पेश कर रहे हैं उसमें संगीत जगत की सबसे हसीन और कातिलाना गलती शामिल है। ये गलती क्या थी? गिटारिस्ट भानु गुप्ता ने एक गिटार पर कॉर्ड बजाते वक्त एक गलत स्ट्रिंग बजा दी, एक ओपन स्ट्रिंग, टेक्निकल पार्लेंस में उसे ओपन स्ट्रिंग कहते हैं, वो ओपन स्ट्रिंग उनके हाथ से बज गई। जब वो स्ट्रिंग बजी तो जो लोग मौजूद थे वो हंस पड़े, भानुदा को भी वो साउंड कुछ अटपटा सा लगा, लेकिन पंचमदा को वो बहुत खूबसूरत लगा। और ये पंचमदा की सोच है जिसकी बदौलत हमको इस गीत का इतना खूबसूरत इंट्रोडक्शन म्यूजिक मिला। ये फिल्म थी 1971 की अमर प्रेम। अब ये गलती क्या थी? इससे पहले ये गलती अगर ना हो तो क्या होता, वो आपको सतीश निवासकर, हमारे स्पैनिश गिटारिस्ट, वो एक उसका डेमो देके दिखाएंगे। ये वो कॉर्ड था जो ओरिजिनली बजना था, लेकिन फिर बजा क्या? म्यूजिक के फील्ड में इस गलती को मिलियन डॉलर मिस्टेक कहा जाता है, क्योंकि आप माने या ना माने, यकीन करें ना करें, लेकिन इस गलती से ये गीत करोड़पति बन गया। इसकी एक वजह यह है कि वो जो जी ओपन स्ट्रिंग मिलती है, इस वजह से ये गीत एफ शार्प माइनर, टेक्निकल लैंग्वेज है थोड़ी सी, लेकिन एफ शार्प माइनर इस स्केल के अलावा ये गीत और किसी भी स्केल में लिया नहीं जा सकता। पंडित एटी कानन, जो क्लासिकल म्यूजिक के बहुत बड़े महारथी हैं, वो ये गीत गुनगुना रहे थे, तो उनसे किसी ने पूछा कि सर आप क्लासिकल म्यूजिशियन हैं और आप लाइट म्यूजिक गा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जिस इंसान को, चाहे वो क्लासिकल म्यूजिक वाला हो या कोई भी हो, जिस इंसान को ये गीत पसंद नहीं है उसकी खोपड़ी खाली है। मेरे ख्याल में जो मुझे महसूस होता है, इस गीत में बजने वाली गिटार ये उस माझी के हाथ का पतवार है। इस गीत में बजी हुई पंडित हरिप्रसाद चौरसिया की बांसुरी ये वो मचलने वाली नाव है, और बाकी सब कुछ, इस गीत के अल्फाज, गायकी, सब कुछ सब कुछ, ये उस नदी का कभी ना खत्म होने वाला मचलता हुआ लहराता हुआ पानी है। जीवन साथी की प्यास और ममता की आस के बीच फंसी हुई पुष्पा को आनंद बाबू ये बता रहे हैं कि जब जिंदगी का हर एक पल चिंगारी हो जाता है तो क्या होता है। इस गीत को हम सुनते हैं सोलो वायलिन पर जीतू ठाकुर जी से।
मैंने एक बार मनरी झा से पूछा था कि दादा जब आप पंचम दा के साथ सिटिंग में बैठते थे तो माहौल कैसा होता था, आप लोग क्या करते थे? तो दादा ने मुझे बताया था कि जब पंचम हमको गाना सुनाता था तो हम लोग उसके ऊपर झपट पड़ते थे सब लोग मिलकर। तो मैंने कहा मतलब क्या करते थे आप? अगर पंचम दा ने एक धुन सुना दी तो बासुदा, मनरीदा, मारुतराव कीर सब लोग मिलके मैं इसका इंट्रो बनाऊंगा, मैं इसका फर्स्ट म्यूजिक बनाऊंगा, मैं इसका सेकंड म्यूजिक बनाऊंगा, मैं इसका रिदम बनाऊंगा, ये होता था। और जो कह रहा है कि मैं इंट्रोडक्शन म्यूजिक बनाऊंगा वो उसके साथ फर्स्ट म्यूजिक और सेकंड म्यूजिक बना ले रहा था जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड। और हर किसी का सजेशन अगर वो गीत के लिए अच्छा है इट वॉज ऑलवेज एक्सेप्टेड। फिर क्योंकि वो कोई परकशनिस्ट है तो अरे छोड़ना यार इसका कौन सुनेगा, नहीं कभी नहीं। और फिर कोई ताजुब की बात नहीं है कि पंचमदा की ज्यादातर तस्वीरें अपने साजिंदों के साथ हैं और ऐसा होने वाले शायद वो एक ही संगीतकार हैं, वरना आपने बाकी कंपोजर्स की तस्वीरें एक्टर्स के साथ एक्ट्रेसेस के साथ देखी होंगी, लेकिन साजिंदों के साथ सबके ज्यादा तस्वीरें रखना ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। एक बार कहीं दही हंडी का त्योहार मनाया जा रहा था तो पंचमदा गाड़ी में से जा रहे थे तो पास बैठे इंसान से उन्होंने कहा कि देखो इसमें